कहाँ के रहने वाले हो? अरे बिहार में कहाँ से हो? हाजीपुर पटना। जैसे 110 का साहब मसाला पड़ता है, एक सौ 140 के बेचते, 30 रुपया उसमें बचता है। 30 रुपया कम प्रॉफिट मार्जिन लाते हैं। कुछ सुधरने का सोच है? सुधरो साहब, यहाँ छोटे से गांव ही चल जाऊंगा। ऐसा क्या? आगे पीछे कोई है नहीं। हाँ, आगे पीछे अकेले हूँ भाई, मैं लड़का भी एक ही है। लेकिन मुझे देख के ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया तुम्हारा? 15-34 दो में गए हो, 15 साल में काम कर रहे हो, मेरी काउंसलिंग का ये क्या असर आपने? अच्छे लोग से मिलने से अच्छा ये ऐसा होता है क्या? किराना दुकान में ही तुम शराब भी बेचते थे ऐसा? जी हाँ। किराना ज्यादा बिकता है कि शराब ज्यादा बिकता है? किराना में साहब जो है ना ईमानदारी है, ईमानदारी है थोड़ा किराना में, शराब में थोड़ा नहीं। शराब बेचते थे क्या, तुम्हें डर नहीं लगता था यार? 15 साल से काम कर रहा है, क्या डरेगा? धनंजय सिंह जी, ये कौन है धनंजय सिंह जी? आपको जी मुन्ना उसका 200 रुपए किसको देते थे? 200 रुपए मिश्रा मिश्रा करके है, मिश्रा जी करके है, ले आए उसको भी, ले आए उसको भी फसवा दिए। तो क्या नाम है पूरा नाम उसका? पूरा नाम नहीं मालूम। मिश्रा जी सरकारी आदमी है, प्राइवेट आदमी है? भट्टी की तरफ से। भट्टी की तरफ से है। कब से जानते हो मिश्रा को? 2 साल से जानते हो? तो उसकी दुकान से लाते हो और भी कुछ जगह से लाते हो? नहीं, नजदीक से लाते हैं ना, परे कोका से लाते हैं। परे कोका से लाते हैं? हाँ, कोका का भट्टी उधर चला गया। हाँ, उधर से ही लाते हैं, मतलब इधर से ही ले आते हो। तो तुम तो, तुम्हें क्या लगता है, तुम ये काम करते हो, होम डिलीवरी का काम और बगल में आउटरीच का काम, ये ठीक काम है गलत काम है? गलत काम है। क्यों? और तुम्हारे ग्राहक कौन है? रात में साहब निकलते हैं ना, जैसे होटल वाले तो मतलब जैसे 10 बजे भट्टी बंद हो जाता है, उसके बाद मेरा काम चालू। ओहो, तुम मतलब लेट नाइट करते हो सुबह और शाम? तकलीफ होते, तकलीफ दूर कराने का काम, डॉक्टरी काम कर रहे हो तुम? आप कारी वाले नहीं आते थे कभी पकड़ने? कभी आप कारी वाले छापा ऊपर नहीं मारे तुम्हारे यहाँ? मारे मारे हैं 2-3 साल पहले। उसके बाद से प्यार हो गया क्या? उसके बाद से नहीं आए कभी? 1 साल पहले 34 दो जो हुआ है बता रहे, वो कौन किया था? खाना वाले खान साहब से। खान साहब जी, अब उसके आज नहीं सुधरे? हाँ, पहले किसके साथ कर रहे? ये किसी के साथ पार्टनरशिप? कोई और कौन कौन है वहाँ पे तुम्हारी तरह तस्करी? तुम हो गए जी, और कौन है? फौजारी है साहब, फौजारी है, जगनारायण है, जगनारायण है, पूजन है, पूजन है, उसको नहीं डगड़ा डगड़ा करके झगड़ा है, और जवाही चौहान है, जवाही चौहान है, और इसमें सबसे बड़ा तस्कर कौन है? अति पहले था साहब, है ना, क्या बोलते हैं? तो ये सब कितना बेचते होंगे डेली? ये नाम बना रहे हो तुम 6-7 लोग जी, ये लोग कितना पेटी बेच देते होंगे महीने में? चार पेटी खुद बेचता है तो ठीक है, 4 बेचता, 2-2 बेचते हैं, कोई बात नहीं। चकना सेंटर 8 तस्कर हैं, डेली 2-2, 3-3 पेटी बेचते हैं, 24 पेटी तो बेच देते हैं सब मिल के। और ग्राहकों को पता कैसे चलता है कि यहाँ पे मिलेगा? ड्यूटी से छूटते हैं सब, और पुराने कस्टमर है वो, लॉयल कस्टमर। घर के पीछे गोडाउन बनाने का आइडिया था? वो तो बहुत अच्छा था, जो अंदर वो गुफा टाइप का जो बनाए थे, वो कब से बना हुआ है? 5-6 साल से बना हुआ। बाहर कबर्ड था, वीडियो भी डालना है यार, बहुत अच्छा है। कबर्ड था सर, उसको तोड़ निकाले तो उसके पीछे निकला था। हां, ये सब काम में फंसे, कहां के रहने वाले हो? बिहार। अरे बिहार में कहां से हो? हाजीपुर पटना। उस पर तो बिहार का नाम कुछ रोशन करो यार, तुम दुबाए जा रहे हो। बताओ, बेचने वाला भी बिहारी, पकड़ने वाला भी बिहारी, कैसे करते हो? घर को चकना सेंटर भी बना लिया था, 2 फ्लोर। हरिद्वार का? हरिद्वार से क्या करे? किसकी साहब बेचते थे क्या, तुम्हें डर नहीं लगता था यार? 15 साल से काम कर रहा है, क्या डरेगा यार? कभी लगा नहीं गया पुलिस एक्साइज वाले पकड़ेंगे, डर नहीं लगता था कभी? तो डर भगाते कैसे थे? वही खुद भी पी लेते होगे थोड़ा।
चलो भाई अब क्या बताएं, आगे से कुछ सुधरने का कुछ है? सब यहाँ छोटे गाँव ही चल जाऊँ, आगे पीछे कोई है नहीं। हाँ। आगे पीछे अकेले हूँ भाई, मैं लड़का भी एक ही है। लेकिन मुझे देख के ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया तुम्हारा? दो बार 34-2 में गए हो, 15 बार में काम कर रहे हो, मेरी काउंसलिंग का ये क्या असर आप में? दो साल के बाद आपको अच्छे लोग से मिलने से अच्छा ये ऐसा होता है क्या? काउंसलिंग नहीं किया, छोड़ना है लेकिन ठीक है, अगली बार ऐसे मिलना नहीं है ठीक है। वो पूरा अपना तिजोरी उजोरी है ना बंद कर दो उसको, जो पूरा जो बेसमेंट बनाए हो ठीक है, गुफा उफा को बंद करो, और अंतिम बार है इसके बाद से नहीं करना है ठीक है। वैसे ही तुम्हारा फिंगरप्रिंट ले लिया हमने, हाँ और वजन भी बहुत ज्यादा है तुम्हारा यार, ब्लड प्रेशर शुगर दोनों है ना, शुगर में भी दोनों होगा ही है। तुम तो एक्सरसाइज भी नहीं करते हो, पूरे टाइम केवल चखना और इसी में लगे रहते हो। वही चखना खाते हो गए, वही पीते हो गए, तो ये हाल हो गया। बंद करना है ठीक है, अगली बार मौका नहीं मिलना चाहिए। चले।